और जैसे कि आज का टॉपिक है, मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ज़ाहिर है मुझे इतनी नहीं पता, और उसके लिए ज़रूरत है मुझे एक्सपर्ट्स की। कहते हैं कि जब आप बड़े बुज़ुर्गों में बैठते हैं, वो लोग जिनका ज़िंदगी में एक्सपीरियंस होता है, तो भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जब आप पढ़े लिखे पैनल के साथ बैठते हैं, तो उनके ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के अलावा उनकी जो एजुकेशन है, उनकी किताबें हैं, वो भी आपको हेल्प करती हैं। सो आज कुछ ऐसा ही होने वाला है हमारे शो पे। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऑब्जर्वेंट भी हैं, जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी भी है, धूप छाँव भी देखे हैं, और साथ किताबें भी उनकी रही हैं। तो आइए उनके एक्सपीरियंस से हम आपको फ़ायदा पहुंचाएं। हमारे साथ मौजूद हैं आज यहाँ टैलेंटेड एंड वो कहते हैं ना, विजडम वाली बात कोई करनी हो तो इनसे कीजिए, रुबीना अशरफ हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं नहीं, क्यों, मैं सही कह रही हूँ आपको, सच्ची में मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, हसाद ही है। सीरियसली, अगर कोई अकलमंदी की कोई मशवरा चाहिए हो, कुछ दुरुस्त वाला, सही वाला, जो आपको सही राह पे पहुंचाए, तो आप इनके पास जाइए मशवरे लिए। ठीक है, अगर आप कह रही हैं। आप बहुत बैलेंस रख के बताती हैं चीज़ें, माशाल्लाह। सो इसीलिए आप हमारे पैनल का आज हिस्सा है। आई गेस कि आप हेल्प कर सकेंगी बहुत सारे ऐसे लोगों को अपनी बातों के थ्रू। फिर हमारे पास मौजूद हैं यहाँ डॉक्टर नीलम नाज, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, को फाउंडर क्यूरवे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आज के प्रोग्राम का आइडिया बेसिकली इन्हीं का था, और इन्होंने कहा था कि जिस तरह आप देख रहे हैं माशरे में जो अज़दवाजी ज़िंदगी है लोगों की, वो इतनी अच्छी नहीं गुजर रही और बहुत जल्दी डिवोर्सेज हो रही हैं। सो उसके लिए ये मेरे पास उस दिन आई थी, और उन्होंने कहा था नेदा हमें इस टॉपिक पे शो करना चाहिए ज़रूर। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अगर हमारे शो करने से किसी की ज़िंदगी में थोड़ा सा भी फ़र्क आ सके तो हमारी ड्यूटी पूरी। बिल्कुल अदा ऐसा ही है। और सिर्फ शादियां टूटने का मतलब ये है कि पूरी पूरी फैमिलीज़, उनके स्ट्रक्चर, उनका सिस्टम चेंज हो रहा है। और ज़ाहिर है काउंसलिंग में हमारे पास बच्चे आते हैं, एडल्ट्स आते हैं, और हम देखते हैं कि कितना इम्पैक्ट हो रहा है कि एक रिश्ता टूटने से, और कितने सारे लोग जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। और इस चीज़ के तो चश्मदीद गवाह जो हैं, ज़ाहिर है वो जो लॉयर्स जो साथ होते हैं, फैमिली लॉयर्स जो होते हैं, साथ साथ कानून क्या कहता है क्या नहीं कहता, वो सारी बातें भी जानना बहुत ज़रूरी हैं इस हवाले से। सो आज हमारे साथ, मेरे पास पहली दफ़ा मेरे शो पर आ रहे, वैसे तो आप उनको अच्छे से जानते हैं, आपने टी वी पर कई प्रोग्राम्स में उनको देखा है, इसी तरह कभी जज बनते हुए, कभी लॉयर बनते हुए। सो मेरे पास हैं आज बैरिस्टर ख्वाजा नवीद अहमद साहब, जिनको आप देख चुके हैं अलग अलग प्रोग्राम्स में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से। सो जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। माशाल्लाह इतना अरसे आप शो करते रहे हैं। जी जी जी। सो बड़ा इंटरेस्टिंग आपका शो होता था माशाल्लाह, देखते थे हम। तो आपको पहली दफ़ा वेलकम करती हूँ अपने शो। बहुत शुक्रिया, वेलकम।